फराटा फैन के प्लग को सीरीज में डालने के बाद रोटरी स्विच घुमाने पर सीरीज कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है। फराटा के ढक्कन खोलने के बाद अरे चूहों ने तो सब लुक खा गया है। यहाँ देखिए, अब सभी कनेक्शन को हटाएंगे। हटाने के बाद अब यहाँ देखिए, तार भी टूटिया गया है, अंदर भ्रष्ट हो चुका है। अब फराटा फैन मोटर का सभी नट बारी बारी से खोल लेंगे। खोल लेने के बाद आगे वाला जाली खोलकर बाहर करेंगे, फिर डैना का नट खोलकर डैना को धुरा से निकाल लेंगे, और निकाल लेने के बाद बॉडी से बाइक को बाहर करेंगे। कॉइल के बंधन को काटकर सभी लूपों को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। पाइप और कनेक्टर वायर को भी निकाल लेंगे। उसमें से सब कुछ निकाल लेने के बाद अब सभी लूप क्लियर हो चुका है। अब इसको सीरीज पर चेक करेंगे। सीरीज ओके है, लेकिन स्टार्टिंग कॉइल नहीं बता रहा है और न ही रनिंग बता रहा है। अगर कॉइल को रिपेयर करना हो तो स्ट्रेचर को ठीक से निकालेंगे ताकि ठोकने पर कॉइल न कटे। एक रड के सहारे ठोक कर उसे बाहर निकालेंगे। इसको रिपेयर वीडियो के आगे में करेंगे। इस टाइप के स्ट्रेचर पहले से बांध कर रखे थे, इसे लगाकर ग्राहक को जल्दी से दे देंगे। अब इस नए स्ट्रेचर को बॉडी में बैठाने के लिए धीरे धीरे चारों तरफ ठोकेंगे, और उसे बैठाते समय या ठोकते समय यह ध्यान रखेंगे कि ठोकते समय कॉइल न कटे। कॉइल को देख कर बड़ी सावधानी पूर्वक रड से ठोकेंगे, धीरे धीरे चारों तरफ से ठोकेंगे ताकि एक जैसा चारों तरफ बैठता रहे। अगर आप स्ट्रेचर को टेम्पर बैठा देंगे तो रोटर ठीक से नहीं बैठेगा, रोटर चलने में बाद में दिक्कत करेगा, इसलिए स्ट्रेचर को चारों तरफ से बराबर बराबर करके ठोकें। सीरीज ठीक है, लाल से पीला और ब्लू चेक करने पर तेज जलता है तो लाल कमन है, पीला और ब्लू थोड़ा कम जलता है इसलिए कंडेंसर के लिए है। अगर दोनों वायरिंग ठीक हो और धुरा ठीक हो तो उसमें तेल डालेंगे। दोनों वायरिंग में तेल डालकर रड को हल्का घुमा देंगे ताकि तेल अंदर चला जाए। बाइक बैठाते समय ध्यान दें, बाइक के दोनों पत्ती के बीच में ऊपर होल है, यह ऊपर वाला साइड है, इसी दोनों पत्ती के बीच में होल है और किसी पत्ती के बीच में होल नहीं मिलेगा। यह बाइक बैठाते समय बाइक को ऊपर नीचे करना नहीं पड़ेगा। बाइक को बैठा लेने के बाद इसके सभी नट को ठीक से कस लेंगे। पहले हाथ से कस लेंगे, फिर उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से बारी बारी से सभी नट को कसेंगे, और कसने के बाद सभी को टाइट कर लेंगे। बाइक और सभी नट ठीक से बैठेगा तो धुरा एकदम क्लियर घूमने लगेगा। अब देखिए, यहाँ घाट है, और देखिए यहाँ नट। इस नट को उसी घाट पर कसना है, ब्लेड को रड में बैठा कर उसी पर कस दें। घाट और नट को मिलाकर ऐसे कसें। कसने के बाद डैना फ्री। अब ऊपर से डाली डालकर इसके लॉक में बैठा दें। ये लाल कमन है और ये दोनों कंडेंसर के लिए, ब्लू और पीला में कंडेंसर का वायर जोड़ेंगे। अब टेस्टिंग के लिए सीरीज में लाल तार जोड़कर ब्लू कंडेंसर पर सीरीज का वायर टच करने पर पंखा उल्टा चल रहा है, और पीला कंडेंसर पर देने पर पंखा सीधा चल रहा है, इसलिए ब्लू वाला लूप में पाइप डालकर इसको यहीं पर लॉक कर देंगे। लॉक करने का मतलब पाइप मोड़कर इसमें गांठ दे देंगे। अब पंखा का मेन तार चेक करेंगे, तार ओके है। अब मेन तार का एक वायर लाल कमन में जोड़कर पाइप डालकर उसको लॉक कर देंगे। अब पीला कंडेंसर वाला में मेन लाइन से निकाला गया स्विच से तार इसमें जोड़ें। अब मेन लाइन के तार को इसमें मोड़कर गांठ देते हैं ताकि खिंचाव पर सरके नहीं। अब बाइक वाला होल को यहीं पर मिलाना है, यहीं मिला लेने के बाद सभी होल ठीक जगह पर मिलेगा। अब फराटा फैन का मेन वायर सीरीज में डालकर चेक करेंगे, पंखा ओके है। अब सीरीज से निकाल कर मेन लाइन में डालेंगे, पंखा बिल्कुल ठीक चल रहा है। फराटा फैन गिरने से मेन वायर पर खिंचाव होने के कारण बाहर आ गया है, अब इसको रिपेयर करना है। बाइक में नट न कसकर इसको टेढ़ा ठोक दिया गया है। देखिए फराटा के बाइक को,
बाइक का टेढ़ापन देखिए। इस बाइक को खोलने के लिए एक मोटा धारदार छेनी लेंगे और इस छेनी के सहारे ठोकेंगे। बाइक को बाहर भी करना है और बॉडी कटने से भी बचाना है। इसको धीरे धीरे चारों तरफ ठोकेंगे। देखिए अब ठोकने से बाइक धीरे धीरे बाहर आ रहा है। इसी तरह धीरे धीरे ठोकते रहेंगे और घुमाते रहेंगे। ठोकते घुमाते हुए देखिए फटाफट का बाइक बाहर आ गया। देखिए यह वायर हार्ड होकर टूट गया है। अब इस बाइक का नट खोलेंगे। बारी बारी से इसका सभी नट खोल लेंगे। इसके धुरा पर धीरे धीरे जोर देकर ठोकेंगे ताकि रोटर और बाइक बाहर आ जाए। सबसे पहले अब इस धागा को हटाएंगे। सावधानी पूर्वक इस वायर और पाइप को हटाएंगे ताकि पाइप और वायर दोनों हट जाए और कॉइल का लूप भी सेफ रहे। धीरे धीरे लूप को इसी तरह क्लियर कर लेंगे। सभी लूपों को पाइप को हटाकर तार को खोल लेंगे। इस तरह सभी लूप क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया। अब सीरीज के माध्यम से सभी लूपों को चेक करेंगे। कमर से रनिंग चेक करने पर ठीक है और स्टार्टिंग भी ठीक है। इस लूप में डबल वायर है और इसमें लाल वायर जोड़कर इसको कमन बनाते हैं। यह सिंगल स्टार्टिंग लूप है, इसमें काला वायर जोड़ेंगे और इसको जोड़ने के बाद सिंगल रनिंग लूप में भी काला वायर को जोड़ देंगे। और सभी को जोड़ने के बाद तीनों लूपों में बारी बारी से सभी में पाइप डाल देंगे और सभी को क्वाइल के सहारे बांध देंगे। क्वाइल को इतना बांधेंगे कि न क्वाइल ऊपर उठे और न सरकने पाए। बारी बारी से अब इस लूप को भी चेक कर लेंगे। लाल कॉमन है एक तार इस पर, दूसरा दोनों काला पर चेक कर लेंगे। सभी लूप ठीक है। तीनों लूप को ऊपर निकाल कर बाइक को कस लेंगे। अब दोनों काला वाला लूप में कैपेसिटर को जोड़ेंगे। अब बचा लाल वाला लूप, एक कमन है। मेन लाइन के दोनों तार को एक को कमन में जोड़कर फिर कंडेंसर वाला काला लूप पर बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पर पंखा सीधा चले उसी पर मेन वायर जोड़ देंगे। पंखा ओके।